इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग शब्द के भेद रचना के आधार पर पढ़े, अब हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, शब्दों के है। यानी उत्पत्ति मीन्स होता है जन्म। अब इसके अनुसार जो है शब्द के कितने भेद होते हैं, जिस प्रकार से हम लोग एक उदाहरण के तौर पर कुछ लेते हैं, जैसे हम दो व्यक्ति एक ही स्टेट के मिलते हैं कहीं पर, तो आपस में बात होती है कि भाई आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं, तो जो व्यक्ति होता है वो अपना जिला बताता है, जिला के बाद आगे वह व्यक्ति पूछता है कि भाई जिले में आप कौन से क्षेत्र से आते हैं, क्षेत्र बताने के बाद कहेगा ठीक है आपके पोस्ट ऑफिस यानी जो पोस्ट है वो आपका पोस्ट कहाँ है, इसके बाद पूछेगा आपका विलेज और विलेज में पूछेगा कि आपका हाउस नंबर क्या है। ठीक उसी तरह यह उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद हम लोग पढ़ेंगे, या जिस प्रकार से हम लोग उसको पांच टाइप से बताए थे कि डिस्ट्रिक्ट, क्षेत्र, पोस्ट, विलेज और हाउस नंबर, उसी तरह यह शब्द भी जो है उत्पत्ति के आधार पर पांच प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्सम, तत्सम शब्द। दूसरा तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। तीसरा देशज, चौथा विदेशी शब्द जिसको हम लोग विदेशज भी बोलते हैं, विदेशज शब्द। और पांचवा होता है हम लोगों का संकर शब्द। ये पांच हो गए। इन पांचों में से हम लोग इस वीडियो में केवल दो का अध्ययन करेंगे, पहला तत्सम और दूसरा तद्भव शब्द। इसके बारे में जानेंगे कि तत्सम शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है। और इन तीनों को देशज, विदेशज और संकर शब्द को अगले वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला हम लोग देखते हैं तत्सम शब्द। ये हम लोग जानते हैं कि हमारी मूल भाषा कौन सी है, संस्कृत।
यानी जो हमारे संस्कृत भाषा के शब्द ज्यों के त्यों यदि वह हमारे हिंदी भाषा में आए हों, उन्हीं शब्दों को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं, तथा हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं जो मूल रूप से संस्कृत के हैं, लेकिन हम लोग उसका प्रयोग जो है अपना हिंदी में करते हैं, हिंदी भाषा में। जैसे हम लोग अपने घर से संबंधित ले तो घर को हम लोग गृह, ये गृह क्या है? गृह जो है संस्कृत शब्द है। इसके अलावा दंत, ये दंत भी हमारा क्या तत्सम शब्द है, यानी ये संस्कृत से आए हैं और उसी तरह ये हिंदी भाषा में जो है प्रयोग भी किए जाते हैं। इसके बाद अगला है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या? वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं, वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं, और हिंदी भाषा में आने पर
आने पर उनका स्वरूप थोड़ा परिवर्तित हो गया, थोड़ा परिवर्तित हो गया, हो गया। तो उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे जैसे ए मूल रूप से जो है ए आए किससे है, गृह से। गृह का जब अर्थ रूप से जो परिवर्तित रूप जो हुआ उसको हम लोग घर बोले, और यही घर जो है आगे चल करके हमारा क्या हो गया, तद्भव शब्द। इसके अलावा हम लोग कुछ वर्ड आप सुने होंगे, अग्नि, 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 अग्नि शब्द यदि हम बोलेंगे तो हमारा संस्कृत हो जाएगा, लेकिन अग्नि का बदला हुआ रूप जो बाद में हिंदी में आया उसको हम लोग आग बोलते हैं, तो ये आग हमारा क्या हो जाता है, तद्भव शब्द हो जाता है। यानी हम इसको एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। जैसे गृह, गृह हमारा क्या है, तत्सम, और तद्भव गृह को क्या हम लोग बोलते हैं, घर। ये घर हमारा तद्भव हो जाएगा और गृह क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ओके, अब हम लोग अगले वीडियो में देशज, विदेशज और संकर शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।